नमस्कार। डू यू नो वॉट इज कॉमन बिटवीन धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग एंड ऑल अदर सक्सेसफुल बिजनेस और अदर लीडर्स? क्या आप जानते हैं इन लोगों में कॉमन चीज क्या है? इनके सक्सेस के पीछे एक कॉमन फैक्टर क्या है? जहां तक मेरा समझना है, जहां तक मैंने इनका अध्ययन किया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल ऑफ देम, विच इज एन आउटलायर फॉर ईच वन ऑफ देम, इज देयर अवेयरनेस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, देयर अवेयरनेस ऑफ ए स्किल। एक साइकिल होता है जिस साइकिल में आप किसी नई कॉम्पिटेंस को सीखते हैं। इन लोगों में कॉमन एक चीज है, इन्होंने अपनी बिजनेस अवेयरनेस को इतना बड़ा किया और कंटिन्यूअसली इतना बढ़ाते रहे कि ये हर चीज के बारे में लगातार जानते गए और जानने के बाद उसको या तो खुद मास्टर किया या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उसे मास्टर करवाया। और जिस क्षेत्र को इन्होंने मास्टर किया, उस क्षेत्र को इन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप देखना चाहें, किसी भी क्षेत्र में देखना चाहें, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, या किसी भी सेक्टर में आप देखना चाहें, सक्सेसफुल आदमियों की एक बड़ी कॉमन फैक्टर है, बड़ा कॉमन आउटलायर है, वो है कि कितनी जल्दी वो अपनी अनअवेयरनेस को, अपनी अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करते हैं। यानी जिस चीज के बारे में वो जानते नहीं हैं, कितनी जल्दी वो ये जान जाते हैं कि वो क्या नहीं जानते हैं, और जब वो उसे जानते हैं, वो कितनी जल्दी उसे मास्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग साइकिल के ऊपर। हम सीखते कैसे हैं और उसके बाद उस सीख से हम कितनी जल्दी सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये एक स्किल है, ये एक कला है, ये एक कौशल है, और अगर हम इसे समझ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस आ सकता है। अब मैं आपको इन चारों स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। पहली स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, दूसरी स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तीसरी स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, और चौथी स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये समझना बहुत जरूरी है और हर स्टेज को अच्छी तरह से समझना और ज्यादा जरूरी है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और जब मैंने स्टूडेंट्स की बात की, हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं। अगर जीवन में हम लोग एक स्टूडेंट की भांति रहें, जब तक हमारा ये जीवन है, तो हम जीवन में सफलता के आयामों को हमेशा छुएंगे, क्योंकि हम जीवन में हमेशा नई कॉम्पिटेंस को एक्वायर करने के इच्छुक रहेंगे। तो दोस्तों, पहली जो स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मुझे नहीं पता जो मुझे नहीं पता। यानी इसका मतलब है बाहर आगे पीछे दुनिया में क्या हो रहा है, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं उस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, उस क्षेत्र में नए लर्निंग्स कैसे आए हैं, उस क्षेत्र में नया कॉम्पिटिशन कैसा आया है, उस क्षेत्र में कौन एक्सेल कर गया है, कौन ग्रो कर रहा है, कौन नई इनोवेशंस लेके आ रहा है, मुझे ये सब नहीं पता। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब है मुझे मालूम ही नहीं है इस चीज के बारे में कि ऐसा भी होता है कि इस प्रकार की चीजों के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग दुनिया में इस अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के शिकार हैं, और ये लोग स्टूडेंट से लेके
हायर लेवल तक, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, किसी भी कम्युनिटी में आप जाएं, आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे, आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के शिकार हैं। बहुत सारे कारण हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के। कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे होते हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते, ना कभी हमने जानने की ज़रूरत समझी, ना हमने किसी से कभी कोई फीडबैक की एक्सपेक्टेशन रखी, ना हमने कभी अपने लेवल पर कोई कदम उठाया। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज है आप अवेयर नहीं हैं, और जब आप अवेयर नहीं होते हैं तो आपसे एक्शन की अपेक्षा भी नहीं की जाती। तो दोस्तों, सबसे पहले अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के इस जाल से बाहर निकलने का सबसे पहला टूल और इंस्ट्रूमेंट जो है वो है अपनी स्वॉट एनालिसिस करना, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपने थ्रेट्स को आंकना, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, अपने रोल को, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने प्रोफाइल को, अपने आप को, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। इस स्वॉट एनालिसिस में आपको किसी का सहयोग भी लेना चाहिए। कोई मेंटर है आपका, कोई फ्रेंड है आपका, कोई प्रोफेशनल है जिसको आप बेंचमार्क करते हैं, ऐसे लोगों के फीडबैक को लेना बहुत ज़रूरी है। उनसे अपना स्वॉट एनालिसिस शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एनलाइटेंड हो जाएं कि आप किन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। ये जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का दायरा है, ये अगर निरंतर बढ़ता रहा और आप इसके प्रति जागरूक नहीं रहे, आप जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति उन्नति नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और बाकी साथी आगे बढ़ रहे हैं। कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि हमने कभी अपने आप को इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं कराया कि हमें क्या नहीं मालूम, हमें किन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसलिए अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के दायरे से बाहर आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, इस अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के जाल से बाहर निकलना है, अपनी लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। और जो मैंने आपको कहा कि आप अपने मेंटर, आप अपने किसी फ्रेंड, आप किसी प्रोफेशनल, आप किसी टीचर या आप किसी सीनियर प्रोफेशनल, किसी कोच की सहायता ज़रूर लें और अपने अवेयरनेस और अपने बायसेस को रोड ब्लॉक ना बनने दें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो पहला, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से बाहर आना। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आपको बड़े आहा मोमेंट्स मिलेंगे, आपको नई लर्निंग्स पता लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मुझे क्या नहीं पता, मुझे क्या नहीं मालूम। और जब आप ये जान जाते हैं तो आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के क्षेत्र से बाहर निकल कर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब आपको ये अवेयरनेस है, अब आप ये जानते हैं कि मुझे क्या नहीं आता। मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ पे स्कूटर चलाना या गाड़ी चलाना, ये हमें मालूम नहीं था कि ड्राइविंग किसे कहते हैं। हमने लोगों को गाड़ी चलाते हुए तो देखा था, लेकिन कभी इसकी जानकारी नहीं थी कि इसे ड्राइविंग बोलते हैं। और तब जाके एक दिन हमारे पिताजी ने हमें ड्राइविंग बताई कि ड्राइविंग होती क्या है, ये गाड़ी चलती कैसे है, कैसे क्लच दबता है, कैसे गियर दबता है, कैसे एक्सेलेटर दबता है और कैसे गाड़ी आगे निकल जाती है। और तब जाके हमें ये समझ में आया, यानी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से हम लोग कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में आए। अब हम अवेयर थे कि हमें क्या नहीं आता, यानी हमें ड्राइविंग नहीं आती थी। तो दोस्तों, आप भी जिस भी क्षेत्र में हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप भी जितना जल्दी हो सके अपने कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के क्षेत्र में
पहुंचे। लेकिन याद रखें, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस क्षेत्र बहुत आसान क्षेत्र नहीं है। हमारे टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में जहां स्पीड के साथ डिसरप्शंस होती हैं, जहां वेलोसिटी ऑफ चेंज और वेलोसिटी ऑफ डिसरप्शन बहुत फास्ट है, जहां एक स्किल की, एक नॉलेज की, एक कॉम्पिटेंस की शेल्फ लाइफ दिन प्रतिदिन शॉर्टन होती जाती है, मींस द शेल्फ लाइफ ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, ऐसे फेज में कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के प्रति आपको बहुत जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि न मालूम जिस स्किल आज क्रिटिकल है वो कितनी देर तक क्रिटिकल रहेगा, इट मे बी रिप्लेस्ड बाय अनदर स्किल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट स्किल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के क्षेत्र में पहुंचने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। जब आपको ये पता लगता है कि आपको क्या नहीं आता है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा सिचुएशन हो जाता है, बड़ी डिमोरलाइजिंग सी सिचुएशन आ जाती है। ऐसा लगता है कि मुझे तो कभी ये आएगा ही नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी टफ होती हैं, उसकी चैलेंज ऑफ लर्निंग इतनी टफ होती हैं कि आदमी बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटीज बढ़ जाती हैं कि मैं ये सीखूंगा कैसे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। और आदमी की कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, आदमी कहता है नहीं, आई विल गिव इट अप, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो इस कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के स्टेज में आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि आप गिव अप की भी स्टेज में आ सकते हैं, क्योंकि जो चैलेंजेस होती हैं इस नई अवेयरनेस की, जिस कॉम्पिटेंस की आप अवेयरनेस आप में आ गई है, जिस इनकॉम्पिटेंस की अवेयरनेस आप में आ गई है कि यह मुझे नहीं आता, उसे सीखने का, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो आपको बहुत ही डिमोरलाइज कर सकती हैं, वो आपको बहुत ही, क्योंकि आप बहुत लोगों को देखोगे ये तो बड़ी आसानी से ये काम कर पा रहे हैं, मैं ये काम कैसे सीखूंगा, ये परेशानी एक व्यक्ति को बहुत देर तक सताती है। लेकिन दोस्तों, इसी कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के फील्ड में, क्षेत्र में, बॉक्स में आपके लिए चैलेंज है कि जितना जल्दी आप इस इनकॉम्पिटेंस को कॉम्पिटेंस में बदलें, उतना ही जल्दी आपके भविष्य के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपकी जीत के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए ये ज़रूरी है। इस फेज में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ काम करें, सेल्फ को मोटिवेट करें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ध्यान दें, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जो अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बने हैं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने डिफ़िकल्टीज को हैंडल करते करते सक्सेस को और कॉम्पिटेंसीज को अचीव किया है, क्योंकि यही स्टेज में अगर आप पार कर गए तो आप जीत के बहुत करीब हैं। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड इनकॉम्पिटेंस, एंड दैट थिन लाइन इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स गेनिंग दैट कॉम्पिटेंस। रिमेंबर वन थिंग, इस स्टेज में ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हैं आपको क्या नहीं आता, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप जो आपको नहीं आता अब वो आपको आना शुरू हो जाए, और इसके लिए आपको लर्निंग के एफर्ट्स, इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर बिना प्रैक्टिस किए सचिन तेंदुलकर नहीं बने। जितने बड़े बड़े अभिनेता, अदाकार, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, जितने बड़े बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल्स आप देखेंगे, बिना हार्डवर्क के कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा है। कहते हैं मिनिमम 10,000 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू मास्टर ए कॉम्पिटेंस। सो इसलिए जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें आज आप सक्सेस के पिनाकल पे देखते हैं, उनके इतिहास को अगर आप ठीक से पढ़ें तो आप देखेंगे उन्होंने श्रम और परिश्रम बड़ा कठिन किया है, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सेकेंड स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इस क्षेत्र से जल्दी आपको बाहर निकलना है और आपको कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंचना है। परंतु याद रखिए, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में आप तब तक नहीं पहुंच सकते, आपने भले ही
कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, कोचिंग लेना शुरू कर दिया और सेल्फ डेवलपमेंट में एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉन्शियस कॉम्पिटेंस को अचीव करने के लिए निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे और निरंतर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढोगे कि जहां पे आपने उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करना है, आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के क्षेत्र को, उस फेज को आप अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों याद रखें, जब आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तभी आप जीवन में सक्सेस के बिल्कुल बहुत करीब हैं। और जब आप इसमें खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारा एफर्ट लगाते हैं प्रैक्टिस के अंदर, तो आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी अब आप बिल्कुल मास्टर हो गए हैं उस स्टेज में। और इस कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की दैट कैन टेक यू टू द नेक्स्ट। इस फेज में आपको वॉलंटियर करना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पे आपको आपके लर्न्ड स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। यानी आप देखिए, जब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मुझे पता नहीं था गाड़ी चलानी क्या होती है, फ्रॉम एन अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस टू कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में पहुंचा जब मुझे पता लगा कि ड्राइविंग क्या होती है, और वहां से मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया, ड्राइविंग सीखना शुरू किया और रोज किसी की कोचिंग में, गाइडेंस में मैं गाड़ी चलाता रहा, तब जाके मैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंचा जब मुझे लगा कि अब मैं खुद गाड़ी चला सकता हूं। लेकिन अभी भी मैं रोड के ऊपर जब गाड़ी निकालता था तो मुझे थोड़ी बहुत हिचक, डर, एंजाइटी होती थी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आई मास्टर्ड दैट और आज मैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में हूं जहां मैं बिना किसी हिचक के गाड़ी चला सकता हूं। यही लर्निंग साइकिल हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। जितना जल्दी हो सके आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में पहुंच जाएं और इस स्टेज में पहुंच के आप एक मास्टर के रूप में आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। यानी अब आपके पास वो कॉम्पिटेंस है जिस कॉम्पिटेंस के आधार पर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टेज में भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप निरंतर इस स्किल को दूसरों को नहीं सिखाएंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप दूसरों को बताएं, आप गाइड बन जाएं, मेंटर बन जाएं, कोच बन जाएं, तो ये आप करते रहेंगे तो ये स्किल सेट आपके जीवन का एक अंग बनेगा। और यहीं से शुरू होती है फर्दर एक्सप्लोरेशन कि इसी स्किल में और बदलाव तो कुछ नहीं हो रहे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्किल की जो शेल्फ लाइफ है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो डिसरप्ट करता जा रहा है। इसलिए जिस स्किल को आपने मास्टर किया हो उस स्किल को भी कैसे आप नए लेवल पर लेके जाएं, निरंतर उसमें प्रयोग करते रहें, निरंतर उसमें नई चीज़ों को सीखते रहें, निरंतर उसका अभ्यास करते रहें, निरंतर लोगों को उससे गाइड और कोच करते रहें, ताकि आप हमेशा आगे रहें स्किल के क्षेत्र में। इसलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लर्निंग साइकिल विच मूव्स फ्रॉम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस टू कॉन्शियस कॉम्पिटेंस टू अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड दैट साइकिल ऑफ लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जब तक आप एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे आप अपने स्किल को स्केलेबल, सस्टेनेबल नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच।